हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका रूहेला परिवार के चैनल ललित कला ज्ञान तरंग यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले एक ट्रिक बताई थी एक्सेल में रिप्लेस विद की, मेरे कुछ साथियों ने मुझे कमेंट करके एक और ट्रिक ऐसी कोई बताने के लिए बोला है जो कि काफ़ी यूजफुल हो, खासकर रुपए के सिंबल के बारे में। तो एक मैंने रुपए सिंबल का, आपने वैसे तो कहीं यूट्यूब वीडियो देखी होगी रुपए सिंबल की, बट मैं आपको एक और एक्स्ट्रा भी बताता हूँ। ये देखिए मेरी एक्सेल की फाइल है, इसमें मैंने कोई सेटिंग नहीं की हुई है। जैसे मैं यहाँ पे ये कोई फिगर लिखता हूँ, कोई फिगर टाइप करता हूँ, और इसको मुझे रुपी सिंबल में या किसी भी करेंसी में इसको कन्वर्ट करना होता है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट में मैं जाता हूँ, और यहाँ ये देखिए नंबर में ही, नंबर वाले ऑप्शन में, ये इस टैब में कई सारे ऑप्शन है, इसमें करेंसी का ऑप्शन है। इसमें सबसे पहले नंबर पे रुपी सिंबल है, बाकी आज में कोई सी भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको डॉलर चाहिए, आपको यूरो चाहिए, कोई भी करेंसी चाहिए आपको इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर जैसे मुझे INR यानी रुपी सिंबल चाहिए, तो यहाँ पे भी ये रुपए सिंबल आ रहा है, इसको क्या करूँगा तो ये रुपए में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि मैंने एक सेलेक्टेड सेल पे किया है, तो उसमें आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो क्या मुझे हर बार ये करना पड़ेगा इसके लिए। ये भी है कि सारी शीट में जैसे मुझे करना है, तो मैं पूरी शीट को सेलेक्ट कर एक बार करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर में करेंसी में जाके मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी नन है, यहाँ पे ये INR का रुपये सिंबल आ गया, ये ओके किया मैंने, तो ये सब जगह रिफ्लेक्ट हो गया। फिर कहीं भी मैं टाइप करूंगा ये आएगा, बट मुझे ऐसे ऐसे सेटिंग नहीं चाहिए। ये तो है, बट मुझे ऐसा चाहिए कि मैं जहाँ पे चाहूँ तो ऐसा नहीं मुझे सेलेक्ट ना करना पड़े, मुझे कुछ ऐसे कोई की में प्रेस करूँ तो मेरा रुपी सिंबल आ जाए। तो मैं क्या करूँगा अभी वो ट्रिक बताता हूँ आपको। ये तो इनबिल्ट है, ये तो आपको पता ही है, सबको पता होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी मैं आपको नई ट्रिक बताता हूँ। शीट 2 में जाएंगे, शीट 2 में देखिए कोई सेटिंग नहीं है। जैसे मैं यहाँ ये कोई भी टाइप कर रहा हूँ, कोई भी फिगर टाइप कर रहा हूँ, तो वो फिगर ऐसे आ रही है। बट इसका तरीका देखो क्या है, मैंने अभी आपको जो रिप्लेस विद वाली ट्रिक बताई थी उसमें उसी में सेटिंग करेंगे। कैसे, ये देखिए इसको मैं हटा दूंगा पूरे को। यहाँ पे कैसे सेटिंग करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल में ऑप्शन है, ऑप्शन में ये फर्स्ट जनरल, सेकंड फॉर्मूलाज, थर्ड प्रूफिंग। इसमें प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में मैं यहाँ पे कोई ऐसा कोई भी लेटर ले लूंगा जो मेरे लिए इजी होगा। जैसे रुपी का है तो मैं आर ही क्यों ना ले लूँ। देखो आर, अभी यहाँ ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आर में टाइप कर रहा हूँ, तो देखा यहाँ पे आर का मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ, ठीक है। अब मैं आर का कैसे बनाऊंगा, आर मैंने यहाँ टाइप किया, मैं यहाँ पे रुपी सिंबल लाना चाहता हूँ। अब रुपी सिंबल कैसे आएगा, रुपी सिंबल तो मेरे पास कहीं नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं गूगल के। हम यहाँ पे ये रुपी सिंबल INR सिंबल इसको हम प्रेस करेंगे, तो ये देखिए रुपी सिंबल आ गया। यहाँ से इसको सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल कॉपी कर लो इस रुपी सिंबल को, यहाँ से अपने एक्सेल की शीट में जाओ, यहाँ पे ये कॉपी कर दिया। अब हम उसको सिस्टम को कह रहे हैं कि आर जब मैं लिखूं और उसको मैं चाहूं तो वो INR यानी रुपी सिंबल में वो रिप्लेस हो जाए। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, अब मेरा ये ऐड हो गया, देखिए नीचे ऐड हो गया, ये मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये मैंने फाइल क्लोज की। अब देखो यहाँ मैं ये लिख रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा। भी आप कहेंगे ये तो आपने कर दिया फिर भी नहीं आ रहा है, ये ऐसे नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा, नीचे देखो मैंने 1250 लिखा ना, यहाँ यहाँ मैं आर प्रेस करूंगा, पर ये तो आया नहीं। आप कहोगे तो आ नहीं रहा, ये तब आएगा जब आप स्पेस की दबाओगे। आपने स्पेस की किया, देखो आर को उसने रुपी सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे आप 1250 लिखो तो ये आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ये तो मेरे आर लिखने से तो फॉर्मूला में मेरे काम नहीं करेगा। फॉर्मूला में सपोज मैं 100 100 में 100 ऐड करूंगा, इसमें कोई शीट है मेरी कि मैं उसमें 100 ऐड कर रहा हूँ या 500 ऐड कर रहा हूँ, तो वो ऐड नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐड होगा, देखिए कैसे, ये सब है, ये देखिए ऐड हो गया यहाँ पे, नहीं तो फॉर्मूला एरर आ जाती, फॉर्मूला एरर आ ही नहीं। अभी आप ऊपर भी देखेंगे यहाँ रुपये का सिंबल कहीं नहीं दिख रहा, जबकि रुपये का सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये टाइप प्रिंट भी होगा, सब कुछ होगा, आपको डिस्प्ले भी होगा और फॉर्मूले में भी काम करेगा। तो ये बहुत यूजफुल ट्रिक है, आपको ये वाले कुछ करने की जरूरत नहीं कि राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जा रहे हैं और फिर करेंसी में जाके वहां से सेलेक्ट कर रहे हो। सिंपल आपने आर का एक रिप्लेस बना दिया कि आर को वो रुपी सिंबल से रिप्लेस कर देगा। तो आर जैसे आप प्रेस करेंगे और स्पेस देंगे तो आप कन्वर्ट कर देंगे इसको
रुपीज में, मतलब सिंबल में। और यहाँ पे चाहे आप कोई भी फिगर लिख लो, ये देखो, और इसमें कोई ऐड भी कर लो तो फॉर्मूला काम करेगा। सपोज इसमें ऐड करता हूँ मैं, ये देखो 6,58,900 का 100 रुपये ऐड किए तो 6,59,000 और हो गया। अच्छा, इसमें सबसे खास बात यह है कि आपने एक बार आर कर दिया, देखो यहाँ आर नहीं दिख रहा जबकि है, आर आपने एक बार कर दिया और यहाँ पे आप कोई फिगर लिखोगे, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा, जबकि इसमें अगर फॉर्मूले से करोगे तो आर इसमें भी आ जाए लिख के, तो ये कितना बढ़िया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये शेर आपको सुनाऊंगा कोई किसी शायर का, तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये मेरे परिवार का चैनल है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरी बिटिया ड्राइंग के कुछ टिप्स देगी।